हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि एक्जिगो ऐप से ट्रेन का टिकट बुक कैसे करते हैं। पूरा लाइव प्रोसेस ए टू जेड इस वीडियो में आप सबको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी एक्जिगो ऐप से ट्रेन का टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह से हेल्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे हुआ उसको भी दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक्जिगो ऐप को डाउनलोड करना है। एक्जिगो ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उस लिंक पर भी क्लिक करके डायरेक्ट आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद में आपको सिंपल सा ओपन के बटन पर क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, यानी कि एक्जिगो ऐप का होम पेज ओपन हो चुका है। दोस्तों, कुछ परमिशन आएंगे तो आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। ट्रेन का टिकट बुकिंग करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, IRCTC ट्रेन। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहा है, एक फॉर्म एक टू। तो फ्रेंड्स, आपको फॉर्म में सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ से जाना चाहते हैं और टू में सिलेक्ट करना है कहाँ जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें जाना है छपरा से सिवान, तो हम यहाँ पे फॉर्म में डालेंगे छपरा। छपरा का शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं CPR। तो यहाँ पे मैंने CPR लिखा तो यहाँ पे आ चुका है CPR छपरा। तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फॉर्म में सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे टू में सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सिवान जाना है, तो सिवान का शॉर्ट फॉर्म मुझे पता नहीं है तो डायरेक्टली हम सिवान लिखते हैं। तो यहाँ पर आ चुका है SV सिवान जंक्शन, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है कि आप कितने तारीख को सफ़र करना चाहते हैं। इस कैलेंडर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमें जाना है 10 फरवरी को, तो मैं यहाँ से 10 फरवरी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको क्लास को सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी क्लास में टिकट कराना चाहते हैं, जैसे कि स्लीपर हो गया, थर्ड AC हो गया, सेकंड AC हो गया, फर्स्ट AC हो गया। यदि आप स्लीपर में कराना चाहते हैं तो आपको SL पे क्लिक कर देना है, यानी कि इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हम 2S में कराना चाहते हैं बैठने वाले पे, तो यहाँ पे है 2S, तो इसको हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको सिंपली सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। जिससे आप सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उस रूट की जितना भी ट्रेनें होगी उसका लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा उस डेट में, और यहाँ से किराया और टाइम टेबल सब कुछ चेक कर लीजिएगा, यानी कि कौन सी ट्रेन का कितना किराया है और कितने बजे खुलेगी, कितने बजे पहुँचाएगी, सब कुछ आपको चेक कर लेना है। और जिस भी ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है उस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे कि मुझे मान लीजिए कि इस ट्रेन में टिकट बुकिंग करना है 2S में, तो हम सिंपल से यहाँ पर 2S ही है तो हम यहाँ पर 2S में क्लिक करेंगे। यदि आपको स्लीपर में बुक करना है तो स्लीपर पे क्लिक करना है। हम 2S पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने 10 फरवरी के यहाँ पे डेट सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे और भी डेट आ रही है, जैसे कि 10 फरवरी, 17 फरवरी, 24 फरवरी, तो यहाँ से आप चेक कर लेना है। दोस्तों, हो सकता है कि आप जिस डेट को टिकट बुकिंग करना चाहते हैं उस डेट का सीट अवेलेबल ना हो, वेटिंग हो, तो यहाँ से आप डेट चेंज भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको जितने तारीख को टिकट बुक करना है उसके सामने आपको बुक के बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों, मान लीजिए कि हमें 10 तारीख को टिकट बुक करना है, तो 10 तारीख के सामने यहाँ पे बुक के बटन पे हम क्लिक करेंगे। जिससे हम बुक के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन करने का पेज आ रहा है, तो लॉगिन करने के लिए फेसबुक अकाउंट से भी कर सकते हैं, गूगल अकाउंट से भी कर सकते हैं या मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। यहाँ पे आप नए मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको लॉगिन करने का पेज आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम नए मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर को डालने के बाद में आपको सिंपल सा लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। यदि आपने मोबाइल नंबर डालकर पहले से लॉगिन कर लिए होंगे तो डायरेक्ट आपके मोबाइल पर OTP आएगा। हमने यहाँ पे नए मोबाइल नंबर डाला था, इसलिए यहाँ पे लॉगिन करने का पेज आ रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डाला है, इसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट नेम डाला है और इसके नीचे आपको अपना Gmail ID डाला है। इसके नीचे ऑलरेडी यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला हुआ है, आपको मोबाइल नंबर डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सिंपल से आपको साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। जिसे साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और OTP को आपको वेरीफाई करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है और OTP ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो चुका है। इसके बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस होगा। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको पैसेंजर क्रिएट करना है। यहाँ पे पैसेंजर का सबसे ऊपर आपको नाम डालना है कि किसके नाम से आप टिकट बुक करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना नाम डालता हूँ रुपेश कुमार, क्योंकि हमें अपना नाम से ही टिकट बुक करना है। और इसके नीचे एज डालना है, तो मैं 23 डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको मेल फ्रेमेंस सेलेक्ट करना है जो भी है। इसके नीचे आपको बर्थ प्रेफरेंस में क्या चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है।
यदि आप विंडो से चाहिए तो विंडो को सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें कोई भी चाहिए तो हम यहाँ पे नो प्रिफ्रेंस पे क्लिक करते हैं। इसके नीचे नेशनलिटी में इंडिया ऑलरेडी सिलेक्ट है, बस आपको यहाँ पे ऐड ट्रैवलर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड ट्रैवलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पैसेंजर का नाम ऐड हो चुका है। फ्रेंड्स यदि आपके साथ में कोई और भी पर्सन है सफर करने के लिए, उनका भी आप टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल से यहाँ पे ऐड मोड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड मोड के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, फिर से आपको यहाँ पे ऐड ट्रैवलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे ऊपर उनका नाम डाला है और इसके नीचे उनका एज डालना है, इसके नीचे मेल प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है, इसके नीचे यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सबसे नीचे यहाँ पे दिया गया ऐड ट्रैवलर, आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उनका भी डिटेल इसमें ऐड हो जाएगा। इसमें और भी आदमी का नाम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर ऐड ट्रैवलर पर क्लिक करना है और इसी तरह से उनका भी नाम आपको ऐड कर लेना है। और फ्रेंड्स जो भी आप नाम ऐड करेंगे यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद जितने भी आदमी का आप टिकट बुक करना चाहते हैं उनके नाम के सामने आपको टिक कर देना है। यदि आप टिक नहीं करेंगे तो टिकट उनका बुक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यह नीतीश कुमार का टिकट हमें बुक नहीं करना है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। केवल मेरा ही करना है रुपेश कुमार, तो इसको मैंने टिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक किया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप नाम ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे ऊपर यहाँ पे आपको अपना IRCTC का यूजर आईडी डालना है। दोस्तों यदि अपने IRCTC में अकाउंट नहीं बना है, यूजर नेम पासवर्ड नहीं बना है, तो इस टॉपिक में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। IRCTC का यूजर आईडी डालने के बाद में आपको नीचे आना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो आपको इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, आपको SP टिक रखना है। इसके नीचे पूछ रहा है कि क्या आपको कन्फर्मिंग टिकट चाहिए, तो आपको इसको दोनों को टिक कर देना है, दोनों बॉक्स को टिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। सबसे ऊपर आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है। जिस पिन कोड डालेंगे तो सब कुछ डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यदि आपका एड्रेस ऑटोमेटिक फेच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आपको मैनुअली डालना है। जैसे कि हमारे एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे अपना एड्रेस डालते हैं छपड़ा। अपना एड्रेस डालने के बाद में आपको सिंपल सा नीचे आ जाना है। दोस्तों इसके नीचे पूछ रहा है कि आप फ्री में अपने टिकट को कैंसिलेशन करना चाहते हैं, तो यदि आप फ्री में कैंसिलेशन करना चाहते हैं तो आपको SP टिक रखना है। दोस्तों यदि आप फ्री में कैंसिलेशन को टिक करेंगे तो इस पर आपको 24 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा, और यदि इसको फ्री में कैंसिलेशन नहीं करना चाहते हैं तो आपको 9 रुपये टिक रखना है। दोस्तों इसका मतलब है कि यदि आप SP टिक रखते हैं और आप इस टिकट को कभी कैंसिल करते हैं तो आप कैंसिल करेंगे तो आपको कैंसिलेशन के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। जितना पैसा आपको टिकट कराए में लगे हैं उतना पैसा आपको रिटर्न आ जाएगा। इसके लिए आपको यस करने के लिए आपको 24 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो हम यहाँ पे यस पे टिक रखते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पे नीचे टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, यदि यह टिक नहीं है तो इसको टिक कर दीजिएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपको IRCTC का पासवर्ड पता है, तो यहाँ पे आपको यस आई डू पे क्लिक करना है। यदि आप नो पे टिक करेंगे तो आपको IRCTC पासवर्ड को रीसेट करने का ऑप्शन आएगा। तो हमें IRCTC का पासवर्ड पता है, हम यस आई डू पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है, इसी टाइमिंग के अंतर्गत हमें पेमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट करना होगा। दोस्तों यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा, आप जिस ट्रेन में टिकट बुकिंग करने जा रहे हैं उस ट्रेन का नंबर, टाइम टेबल, जिसके नाम से आप टिकट बुकिंग करने जा रहे हैं, ये सभी डिटेल चेक कर लीजिएगा। सब कुछ सही है तो आपको प्रोसीड टू पे के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। यदि आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपका UPI ID किसका है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसका है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें फोन पे से पेमेंट करना है, तो यहाँ पे फोन पे का लोगो दिख रहा है सिंपल सा, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। पेमेंट करने के लिए आप जिस एप्लीकेशन को चलाते हैं उसका UPI ID आपको पता है तो यहाँ से नीचे आप डाल सकते हैं, या नहीं पता है तो कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे आपको उस पर क्लिक करना है जिससे पेमेंट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स हम फोन पे से करना चाहते हैं तो फोन पे क्लिक करते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें फोन पे में रीडायरेक्ट कर दिया है, इसको हम यहाँ से अनलॉक करते हैं और यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है। हम सिंपल से यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक करते हैं। सेंड के बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना UPI पिन को डालना है। दोस्तों हो सकता है कि आप सभी को यहाँ पे ब्लैक दिखाता होगा, क्योंकि सेरेटिक पर्पस के लिए है। UPI पिन को डालने के बाद में आपको राइट लोगो पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग में है, आपको वेट करना है। हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे आपको डॉन के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक ही आपको रीडायरेक्ट करके XGO के पेज पे लेके चला जाएगा, बस आपको वेट करना है। तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके IRCTC का यूजर नेम सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा, इसके नीचे आपको अपना IRCTC का पासवर्ड डालना है। दोस्तों यदि आप IRCTC का पासवर्ड भूल गए हैं तो इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से IRCTC का पासवर्ड को आप रिसेट कर सकते हैं। IRCTC का पासवर्ड डालने के बाद में आपको नीचे कैप्चा डालना है। जो नीचे आपको कैप्चा दिख रहा है इसी कैप्चा को सेम टू सेम यहाँ पे आपको डाल देना है।
कैप्चा डालने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन को रेटिंग देने के लिए बोल रहे हैं, तो चलिए हम एप्लीकेशन को बाद में रेटिंग देंगे। फिलहाल में यहाँ पे नॉट नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे दे सकते हैं कि हमारा टिकट बुक हो चुका है। हमारे यहाँ पे D7 में 46 नंबर सीट है, यहाँ पे PNR नंबर लिखा हुआ है। दोस्तों यदि आप इस टिकट को किसी के पास शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पे शेयर ट्रिप पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ से पूछ रहा है कि आप किस में शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ से जिस पे शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप मैसेंजर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसको मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ। और यदि आप अपनी टिकट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड ई टिकट, आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है। जिस आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ परमिशन आएगा, आपको परमिशन को दे देना है। परमिशन को देने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि आप किस में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको PDF व्यूअर को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टिकट डाउनलोड भी हो चुका है और यहाँ से अपना नाम बर्थ सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप एक्जीगो ऐप से ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के डेटा आपको कोई डाउट प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली के पास शेयर कीजिए। और इस तरह से हेल्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एक घंटे और उसको भी दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग this video।